iPhone 14 versus iPhone 15। तो गाइस iPhone 15 आ चुका है और iPhone 14 का प्राइस भी कम हो चुका है। ऊपर से बिग बिलियन डे सेल आने वाली है जिसमें iPhone 14 अंडर 50,000 मिल सकता है। तो भाई लोगों में काफी सारे कंफ्यूजन है, जिनके पास iPhone 14 है वो कंफ्यूज हो रहे हैं iPhone 15 की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं, और कुछ लोग नया iPhone खरीदने का सोच रहे हैं तो वो कंफ्यूज है 14 खरीदें या फिर 15। तो सारे क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके डिजाइन एंड बिल्ड की। अगर आप इन दोनों फोन्स की बिल्ड क्वालिटी देखोगे तो यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है, वही ग्लास बैक, वही सिरेमिक शील्ड का प्रोटेक्शन, वही एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, IP68 डस्ट एंड वाटर रेसिस्टेंट मिल जाते हैं। हालांकि दोनों ही फोन्स मार्केट में मिलने वाले सबसे ज्यादा ड्यूरेबल फोन्स में से एक है। अब बात करूं इन दोनों के डिजाइन की, तो अगर इन दोनों ही फोन्स को आप दूर से देखते हो तो आपको इनके डिजाइन में कोई भी चेंजेस नहीं समझ में आएंगे, लेकिन जैसे इन दोनों फोन्स को आप हाथ में उठाते हो आपको काफी डिफरेंट फील होगा। ये दोनों के दोनों फोन्स दिखने में जरूर से एक जैसे हैं, लेकिन ये जो इनहैंड फील प्रोवाइड करते हैं ये बिल्कुल डिफरेंट है। iPhone 14 का बैक आपको ग्लॉसी मिलता है और इसका जो कैमरा मॉड्यूल है ये आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है, लेकिन iPhone 15 में ये बिल्कुल अपोजिट है। इसका बैक पैनल आपको मैट टेक्सचर के साथ मिलता है और कैमरा मॉड्यूल ग्लॉसी। तो जब भी आप फोन को होल्ड करते हो ये थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम फील होता है एज कम्पेयर टू ग्लॉसी, और यहाँ पे फिंगरप्रिंट वगैरह भी नहीं लगते हैं जो कि एक अच्छी बात हो जाती है। लेकिन फर्क सिर्फ इनके बैक पैनल्स में नहीं है। iPhone 14 आपको फ्लैट एजेस के साथ मिलता है जो कि एकदम स्क्वायरिश है, मतलब कि जैसे इसको हाथ में उठाओगे ये पूरा स्क्वायर सा फील होता है। वहीं अगर iPhone 15 की बात करूं तो ये आपको दोनों तरफ पे राउंडेड फील होगा, तो इसके जो दोनों ही कॉर्नर्स हैं ये आपको राउंडेड मिलेंगे, जिसकी वजह से जो इसका इनहैंड फील है बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। इन दोनों फोन्स की हाइट में बिल्कुल माइनर सा फर्क है, विड्थ एकदम सेम है और इन दोनों की डेप्थ भी एकदम सेम है, लेकिन फिर भी iPhone 15 की राउंडेड एजेस होने के कारण इसका जो इनहैंड फील है ये बहुत ही ज्यादा प्रीमियम फील हो रहा है। और जो iPhone 15 iPhone 14 से सिर्फ 1 ग्राम हल्का है, लेकिन इसका इनहैंड फील इतना गजब का है कि काफी हल्का फील होता है। जब मैंने इसको पहली बार उठाया मैं तो भाई 2 बार इसका वेट कंफर्म करने गया कि भाई ये कितना हल्का है। अब इसके नेक्स्ट डिजाइन चेंज की बात करूं तो वो आपको मिल जाता है इसके डिस्प्ले में। iPhone 14 में मिलती थी नॉच, अब मिलता है ये डायनामिक आइलैंड जो कि आपको लास्ट ईयर प्रो सीरीज में मिलता था। अगर आपने डायनामिक आइलैंड पहले यूज नहीं किया है तो मैं आपको बता दूं भाई बहुत सारे अलग अलग टास्क आप इसमें कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं जो कि ऊपर आपको नोटिफाई कर देता है, जैसे कि चार्जिंग, कुछ एयरपॉड्स वगैरह कनेक्ट कर रहे हो, वो किसी को कॉल करते हो तो वहां पे एनिमेशन दिखाई देता है, किसी ने कॉल उठा ली तो वहां पे आपको टाइमर शो करने लगता है, वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो, इंस्टा पे स्टोरी डाल रहे हो उसकी प्रोग्रेस भी वो आपको डायनामिक आइलैंड में दिखा देता है। सॉन्ग्स वाले एप्लीकेशन को एज अ विजेट यूज कर सकते हो आप रियल टाइम में, वहां से अपने म्यूजिक प्लेयर को ऑपरेट भी कर सकते हो, नेक्स्ट प्रीवियस सारे सॉन्ग्स भी चला सकते हो, और इसको काइंड ऑफ आप हल्का फुल्का मल्टीटास्किंग जैसे भी यूज कर सकते हो जो कि एक अच्छा एडवांटेज हो जाता है। चलो बात करते हैं इन दोनों के डिस्प्लेस की। इन दोनों ही फोन्स में आपको 6.1 इंचेस का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले मिल जाता है जो कि OLED डिस्प्ले है, डॉल्बी विजन HDR का सपोर्ट मिल जाता है। तो इन शॉर्ट बताऊं तो दोनों का जो डिस्प्ले है ये एक्जेक्टली सेम है, कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। जहां पे इन दोनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा वो है इन दोनों की ब्राइटनेस। iPhone 14 में 800 nits की नॉर्मल और 1200 nits की HDR पीक ब्राइटनेस मिलती है। वहीं अगर iPhone 15 की बात करूं तो यहां पे आपको 1000 nits नॉर्मल, 1600 nits HDR और 2000 nits की पीक आउटडोर ब्राइटनेस मिलती है, जो कि भाई देखा जाए तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में। और ये डिफरेंस सिर्फ नंबर्स के लिए नहीं है, एक्चुअली भाई फोन हाथ में उठाओगे ये चीज फील होती है। iPhone 14 में 1170x2532 के पिक्सल मिल जाते हैं विद 460 ppi पिक्सल पर इंच डेंसिटी। वही iPhone 15 में 1179x2556 के पिक्सल्स मिलते हैं जिनकी पिक्सल डेंसिटी 461 ppi है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ डिफरेंस नहीं, सिर्फ बिकॉज iPhone 15 में जो डायनामिक आइलैंड मिल रहा है उसकी वजह से यहाँ पे हल्के से पिक्सल्स ज्यादा मिलते हैं आपको एज कम्पेयर टू 14। बाकी कलर्स वगैरह में ऐसा कोई भी आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, दोनों के दोनों एक्जेक्टली सेम है। और भाई एक शिकायत जो कि हमें एप्पल से हमेशा से रही है वो है 60 Hz। पता नहीं क्यों एप्पल को 60 Hz वाला डिस्प्ले इतना पसंद है, वो नॉन प्रो वेरिएंट्स में 60 Hz वाला डिस्प्ले ही प्रोवाइड करता है जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बेकार बात है। तो इसके डिस्प्ले में ओवरऑल 2 या 3 ही डिफरेंसेस हैं। पहला, एक तो जो नॉच है वो हटा के डायनामिक आइलैंड आ चुका है। दूसरा, इसकी आउटडोर पीक ब्राइटनेस का, ऑल्सो HDR ब्राइटनेस का। और तीसरा, नहीं बस ये दो ही डिफरेंसेस हैं। चलो बात कर लेते हैं इन दोनों के चिपसेट की। iPhone 14 में आपको मिलता है A15 Bionic चिप जिसमें आपको 6 कोर CPU, 5 कोर GPU और 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है। और ये ऑफर करता है 6GB की RAM। वहीं अगर बात करूं iPhone 15 की तो ये ऑफर करता है A16 Bionic चिप जो कि लास्ट ईयर iPhone 14 Pro में आती थी। इसमें भी आपको हेक्साकोर CPU, 5 कोर GPU और 16 कोर न्यूरल इंजन मिल जाता है। 6GB की RAM इसमें भी मिलती है। A15 5 नैनोमीटर की चिप है, A16 4 नैनोमीटर की चिप है। तो सबसे पहले रन करते हैं इन दोनों का सीपीयू बेंचमार्क और देखते हैं कि कौन ज्यादा पहले कंप्लीट करता है। मेरे लेफ्ट में है iPhone 14, राइट में है iPhone 15। सो लेट्स स्टार्ट सीपीयू बेंचमार्क।
तो गाइस लगभग कंप्लीट करने वाला है आईफोन 15, अराउंड 446 के आसपास टाइम लिया इसने और अभी ये कंप्लीट नहीं कर पाया है। अराउंड 30 सेकंड के आसपास ज्यादा टाइम लिया आईफोन 14 ने। और यहाँ पे स्कोर्स आप देख सकते हो, सिंगल कोर के स्कोर में अराउंड 300 पॉइंट्स का और मल्टी कोर के स्कोर में लगभग 800 पॉइंट्स का डिफरेंस था इन दोनों में ही। अब कर लेते हैं इन दोनों का जीपीयू टेस्ट। तो गाइस जीपीयू बेंचमार्क में टाइम की बात करूं तो 2 सेकंड के आसपास का ही डिफरेंस था, लेकिन अगर इनके स्कोर्स की बात करूं तो यहाँ पे 2000 पॉइंट्स का डिफरेंस मिलता है, जो कि काफी बड़ा डिफरेंस हो जाता है एक जनरेशन के हिसाब से। अब कर लेते हैं इन दोनों में वीडियो एडिटिंग टेस्ट और देखते हैं वीडियो एडिटिंग को कौन पहले कंप्लीट करता है। तो गाइस हमने इन दोनों ही के आई मूवी में एग्जैक्टली सेम वीडियो क्लिप को डाल के रखा हुआ है, तो चलो देखते हैं पहले कौन एक्सपोर्ट करता है इसको। तो गाइस जैसा कि यहां पे आप देख सकते हो भाई, दोनों ने लगभग सेम ही टाइप पे कंप्लीट किया, तो यहां पे कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है, बहुत ही माइनर सेकंड का डिफरेंस था। तो गाइस अब बारी है इसमें गेमिंग करने की, तो सबसे पहले करते हैं आईफोन 15 के अंदर गेमिंग। अभी तक जो गेम प्ले मैं खेल रहा हूं यहां पे मुझे ऐसा कुछ डिफरेंस तो नहीं समझ में आया है, बाकी फ्रेम्स का ऐसा कोई भी इशू नहीं आ रहा है, काफी सही तरीके से पूरा काम कर रहा है, काफी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। आईफोन 14 का भी यहां पे मैं बोलूंगा एक्सपीरियंस जो है ये आपको लगभग सेम ही मिल रहा है, कोई भी ऐसा आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा। गेमिंग का एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा है इसमें, और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए भी गेमिंग करना चाहते हो तो इसमें आराम से कर सकते हो, कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मिल रहा है वो तो काफी सही है, बस अब किसी हम फाइट में इन्वॉल्व होकर फिर देखते हैं कि किस तरीके का आउटपुट इसमें हमको देखने को मिलेगा। तो गाइस फाइट में भी हम आके देख लिए, यहाँ पे जो ओवरऑल एक्सपीरियंस मुझे समझ में आ रहा है ये एक्जैक्टली सेम ही है आईफोन 14 के जैसा ही, यहाँ पे कुछ भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे फील नहीं हुआ। यहाँ पे जो आपको चिपसेट का अपग्रेड मिल रहा है उसकी वजह से जो आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 14 एंड 15 के बीच में, वो सिर्फ आपको इतना ही मिलेगा कि थोड़ा सा ज्यादा फास्ट ओपन हो जाएगा, लोडिंग वगैरह थोड़ी सी फास्ट हो जाती है, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे आपको गेम प्ले में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, दोनों एक्जैक्टली सेम ही काम कर रहे हैं। तो गाइस अब कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों के स्पीकर यानी कि इन दोनों का साउंड टेस्ट। ये रहा आईफोन 14 का साउंड। I come around with the perfect alibi. Midnight, pouring my heart out like it's water. Tick tock, you know this night ain't getting younger. Aur ye raha iPhone 15 ka sound. I come around with the perfect alibi. तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ उन दोनों के साउंड में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों एक्जैक्टली सेम साउंड करते हैं। और बेस वगैरह की भी बात करूँ, चाहे ओवर और वॉल्यूम की बात करूँ, वो भी आपको दोनों में सिमिलर ही मिल रही है, तो यहाँ पे साउंड में इन दोनों के कोई भी डिफरेंस नहीं है। अब कंपेयर करते हैं इन दोनों का बैटरी बैकअप। आईफोन 14 में मिलती है 3279 एमएएच की बैटरी, वही आईफोन 15 में मिलती है 3349, तो अराउंड 70-80 एमएएच ज्यादा मिल रही है आपको बैटरी आईफोन 15 में। ऑल्सो क्योंकि यहाँ पे चिपसेट भी थोड़ा सा इंप्रूव्ड है, तो हो सकता है आपको 15-20 मिनट का एक्स्ट्रा बैटरी बैकअप मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना भी कुछ ज्यादा फर्क पड़ेगा, पड़ेगा भी तो मेरे ख्याल से 10-15-20 मिनट के आसपास का फर्क पड़ सकता है, वो भी डिपेंड करता है भाई कि आप कौन सा टास्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो। ऑल्सो सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद भी काफी हद तक चीजें चेंज हो जाती है, तो अगर मैं इन दोनों की बैटरीज की बात करूं तो मैं बोलूंगा कि आप सेम ही मान के चलो, 19-20 का फर्क है, कोई भी ऐसा बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर बात करूं कि कितना बैटरी बैकअप दे देंगे, तो देखो अराउंड 5 घंटे के आसपास की आप हैवी गेमिंग कर सकते हो, यानी कि अराउंड 5 से 6 घंटे के आसपास का आपको स्क्रीन ऑन टाइम मिल जाएगा, और अगर ऐसे नॉर्मल यूज करते हो तो पूरा दिन का आराम से बैटरी बैकअप मिल जाएगा, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। सुबह चार्ज करोगे रात तक एक आराम से चलेगा, उसके बाद भी 15-20% आपके पास बैटरी बचेगी अगर आप अच्छा यूज करते हो तो। गाइस अब बारी है कंपेयर करने की इन दोनों के कैमरास को। आईफोन 14 में आपको 12 मेगापिक्सल के दो लेंसेज मिल जाते हैं, लेकिन आईफोन 15 में आपको जो अल्ट्रा वाइड एंगल वाला लेंस है वो तो 12 मेगापिक्सल का सेम ही मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको नया प्राइमरी लेंस मिलता है जो कि 48 मेगापिक्सल का लेंस है। और भाई इस 48 मेगापिक्सल लेंस से आप 48 मेगापिक्सल की और 24 मेगापिक्सल की हाई रेजोल्यूशन फोटोज तो क्लिक कर ही सकते हो, जिसका आउटपुट यहाँ पे आप देख सकते हो जो डिटेल्स है वो बहुत ही बेहतरीन कैप्चर करता है आईफोन 15। यहाँ पे आप छोटी छोटी डिटेल्स देख सकते हो, हालांकि ये डिटेल्स आप सिर्फ जूम करके ही देख सकते हो, अगर आप जूम आउट करके देखते हो तो आपको यहाँ पे इतना कोई खास डिफरेंस समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितने भी प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं उनके लिए बहुत ज्यादा काम की चीज हो जाती है, क्योंकि जितने ज्यादा मेगापिक्सल्स होंगे वो उतनी ज्यादा अच्छी एडिटिंग कर सकते हैं अपने फोटोज के लिए। तो बेसिकली ये जो 48 मेगापिक्सल है ये प्रो फोटोग्राफर्स के बहुत ज्यादा काम की चीज है। अब ये जो 48 मेगापिक्सल है ये सिर्फ आपको हाई रेजोल्यूशन फोटोज नहीं प्रोवाइड करता, ये आपको एक एडिशनल बेनिफिट प्रोवाइड करता है, वो है 2x जूम। तो हां भाई अब आप अपने आईफोन 15 नॉन प्रो से 2x में ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, और ना सिर्फ ऑप्टिकल जूम यहां पे आप डिजिटल जूम भी 10x तक कर सकते हो, क्योंकि आईफोन 14 में आप 5x तक कर सकते थे। सेम सीन इसके वीडियोस के साथ भी है, इसके वीडियोस में भी आप 2x ऑप्टिकल जूम कर सकते हो, जो कि भाई बहुत नेक्स्ट लेवल की एकदम वीडियोस प्रोवाइड करता है। और यहाँ पे आप दोनों में ही देख सकते हो वो कार कितनी दूर खड़ी हुई है, आईफोन 15 किस लेवल की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहा है और आईफोन 14 कितना जूम कर पा रहा है। इसके अलावा अगर दोनों की क्वालिटी की बात करूं तो यहाँ
यहाँ पे डेफिनेटली आईफोन 15 में जो स्किन टोन्स हैं वो आपको बहुत ही ओरिजिनल मिल रही हैं, मतलब बहुत ज्यादा नेचुरल मिल रही हैं आईफोन 14 के कंपैरिजन में। और जो कलर एक्यूरेसी है वो भी काफी हद तक इंप्रूव्ड लग रही है मुझे आईफोन 15 में एज कम्पेयर टू आईफोन 14। अब उसके फ्रंट कैमरा से मैंने कुछ क्लिक्स करी, यहाँ पे आप देख सकते हो जो ऊपर स्काई है आईफोन 14 ने पूरा वाइट कर दिया है, लेकिन आईफोन 15 ने बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर किया है स्काई की डिटेल्स को भी। ऑल्सो आप स्किन टोन भी देख सकते हो आईफोन 14 में थोड़ी सी पिंकिश स्किन टोन लग रही है, लेकिन वहीं आईफोन 15 ने भाई बहुत अच्छे तरीके से उसको कैप्चर किया है। तो डेफिनेटली भाई कलर एक्यूरेसी, स्किन टोन, डायनामिक रेंज जो वो बहुत अच्छे तरीके से इंप्रूव करी गई। पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो पोर्ट्रेट्स में मुझे ऐसा कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं लगा, दोनों लगभग सेम ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बाकी ये है भाई जूमिंग कैपेबिलिटी आपको नेक्स्ट लेवल मिलती है, जो डिटेल्स वगैरह है बहुत बहुत अच्छे तरीके से कैप्चर करता है आईफोन 15। नॉर्मल फोटोज की भी बात करूं तो वहां पे भी आपको कलर एक्यूरेसी का हल्का सा फर्क मिलेगा। दोनों के सिनेमैटिक मोड की बात करूं तो सिनेमैटिक मोड में आपको कोई भी ऐसा डिफरेंस नहीं मिल रहा है, दोनों के दोनों सेम है और दोनों ही बेकार परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब कि इनकी जो एज डिटेक्शन है वो इतना कुछ खास नहीं है। हाँ बाकी नॉर्मल वीडियोस की बात करूं तो वहां पे डेफिनेटली आईफोन 15 बीट कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने इस फोन को चारों तरफ घुमा के एकदम दिखाया है और क्या ही डायनामिक रेंज को कैप्चर कर रहा है, क्या ही स्किन टोन्स, क्या ही डिटेल्स ऑफर कर रहा है आईफोन 15। तो डेफिनेटली बहुत अच्छा खासा डिफरेंस मिल रहा है आपको आईफोन 14 के कंपैरिजन में आईफोन 15 में। चलो बात कर लेते हैं कंक्लूजन की कि आपको इन दोनों में से कौन सा फोन खरीदना चाहिए, लेकिन उससे पहले आईफोन 15 के कुछ एडिशनल फीचर्स बता देता हूँ। सबसे पहला है इसकी चार्जिंग, अगर आपके पास टाइप सी से टाइप सी वाला चार्जर है और दूसरा एक एंड्रॉइड फोन है, टाइप सी टू लाइटनिंग केबल है, तो भाई टाइप सी वाले फोन से अपने लाइटनिंग वाले फोन को चार्ज कर सकते हो, अपने एयरपॉड्स को चार्ज कर सकते हो, जो कि काफी अच्छा एडवांटेज हो जाता है। अब दूसरे एडवांटेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको U2 चिप मिल जाती है जो कि भाई 3 गुना ज्यादा पावरफुल है एज कम्पेयर टू U1, यानी कि अब आपका आईफोन और भी ज्यादा सेफ हो चुका है, अब इसको ट्रैक करना और भी ज्यादा प्रिसाइज हो चुका है। इवन आप और आपका दोस्त किसी सेम मार्केट में हो तो आप उसको प्रिसाइसली ट्रैक कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से काफी अच्छा एडवांटेज हो जाता है। इसके अलावा जो कि हमने वीडियो में आपको बताया, 48 मेगापिक्सल का लेंस मिल जाता है जिससे आप हाई रेजोल्यूशन फोटोज क्लिक कर सकते हो, साथ ही 2x में फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हो जिससे आप बहुत ही बेहतरीन फोटोज वीडियोस को कैप्चर कर सकते हो। काफी प्रीमियम मैट टेक्सचर वाला डिजाइन मिल जाता है और इनहैंड फील भाई बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। मुझे पता है आप लोग यकीन नहीं कर रहे होंगे, लेकिन भाई एक बार इस फोन को हाथ में उठा के देखो, सच में बहुत ज्यादा फर्क है इन दोनों के इनहैंड फील में। नया डायनामिक आइलैंड मिल रहा है भाई जो कि एकदम प्रो वेरिएंट वाली फील देता है। इसके अलावा 2000 निट्स की पीक ब्राइटनेस मिल रही है जो कि भाई सच में बहुत ज्यादा ब्राइट है, जिसके लिए मैं तो भाई एप्पल को हैट्स ऑफ करता हूं, बहुत अच्छा अपग्रेड दिया है इन्होंने आईफोन 15 में। और मुझे ऐसा लगता है भाई कि ये अभी तक का वन ऑफ द बेस्ट नॉन प्रो सीरीज का फोन है, जो फीचर्स ये प्रोवाइड कर रहा है वो डेफिनेटली बहुत अमेजिंग है। हां अभी भी इसमें कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि यूएसबी 2.0 है, 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले है जो कि एक बहुत ही बेकार बात हो जाती है भाई, 80-90 हजार रुपए देने के बाद भी वही 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड कर रहा है, कोई भी आपको इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं मिल रही है, 1.5 घंटा ले लेता है ये फुल चार्ज होने में। तो हां अभी भी इसके माइनस पॉइंट्स तो हैं, लेकिन सच में आईफोन 14 से 15 में अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा अपग्रेड मिल रहा है आपको। अब यहाँ पे आप अगर एक नया आईफोन खरीदने का सोच रहे हो तो आपको दोनों में से कौन सा खरीदना चाहिए उसकी बात कर लेते हैं। तो भाई यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आईफोन 14 की तरफ चले जाओ, क्योंकि भाई डेफिनेटली यहाँ पे आपको अपग्रेड्स मिल रहे हैं, लेकिन जो प्राइस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है इसके कंपैरिजन में वो 25,000 से 30,000 के आसपास ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल जो आपको एक्सपीरियंस मिलेगा वो सेम ही मिलने वाला है। हाँ थोड़ी सी ब्राइटनेस कम होगी, हाँ ये वाला नॉच मिल जाएगा, टाइप सी की जगह ये वाला पोर्ट होगा, कोई उससे इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा आपको, सेम गेमिंग एक्सपीरियंस, सेम साउंड, तो आपको डेफिनेटली ऐसा कोई बड़ा फर्क नहीं है। हाँ अगर पुराने किसी फोन से अपग्रेड करना चाहते हो और आपका इतना बजट है तब मैं जरूर से बोलूंगा आईफोन 15 की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपने लास्ट ईयर आईफोन 14 लिया हुआ है तो 15 लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक साल और वेट करके आईफोन 16 की तरफ जाना, वहां पे और मेजर अपग्रेड मिल सकते हैं और हो सकता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी वहां पे मिल जाए। और अगर आपको 2-3 साल हो चुके हैं आईफोन 12 या 13 चला रहे हो तब मैं रिकमेंड करूंगा हाँ आईफोन 15 की तरफ जा सकते हो, बहुत अच्छा अपग्रेड है ये। तो भाई मुझे नीचे कमेंट्स में बताओ कौन सा फोन आप खरीदने की सोच रहे हो और ये वाला कंपैरिजन कैसा लगा, अपने रिव्यूज नीचे जरूर से छोड़ देना। आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना नहीं किया है तो, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो मैं बताऊं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।